फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं आमला पाचक, वो भी एकदम डिफरेंट स्टाइल में। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही इजी है, ओनली 5 मिनट्स में बनकर रेडी हो जाता है। तो आप देखते रहेंगे ना वीडियो को, तभी पता चलेगा कि हमने आमला पाचक एकदम डिफरेंट स्टाइल में कैसे बनाया है। आप खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ ढूंढते हैं किचन में जाकर कि कुछ खट्टा खाने का मन करता है, तो आप ये साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और सर्दियों के सीज़न में बनाकर रखिए और गर्मियों तक खाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं आंवले। आंवले आप जितना लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी रेसिपी है। और साथ में हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, 2-3 बार अच्छे से वॉश करिएगा। इसमें अगर थोड़ी सी मिट्टी रह गई ना, तो हमारी जो रेसिपी है उसमें अगर किरकिरी आ गई तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2-3 बार आंवले को अच्छे से वॉश कर लेंगे प्रॉपरली, और वॉश करने के जस्ट बाद इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम कद्दूकस लेंगे, कद्दूकस से आंवले को ग्रेट करेंगे। पूरा प्रोसेस कुछ भी नहीं करने का है फ्रेंड्स, कुक विदाउट फायर रेसिपी है। और यहाँ पर हम कद्दूकस से जो बड़ी साइज़ का होता है ना, वहाँ से ग्रेट करेंगे ताकि जो लच्छे हैं वो हमारे मुँह में आए। तो यहाँ पर हमने आंवले को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी का हम यूज़ करेंगे पौधों में। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस कर लिया है, इसे हम ग्रेट कर रहे हैं। तो ग्रेट हम फटाफट से कर सकते हैं, कुछ भी जो नहीं आता फ्रेंड्स, फटाफट से हाथ चलाइए, आंवले को ग्रेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप फटाफट से आंवले को ग्रेट कर सकते हैं। तो आप पहले मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ना, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी रेसिपी है जो 100 रोग हो जाए ना तो उसकी एक दवा होती है ना, ये है। जो पेट में दर्द होती है, पेट में जलन होती है, या पेट हमारा ठीक नहीं रहता है, तो आप ये खाना खाने के जस्ट बाद खा लेंगे ना, तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा। और आँखों के लिए तो आंवला फ़ायदेमंद होता ही है, मतलब आँखों की रोशनी हमारी बरकरार रहे उसके लिए हमें आंवला तो खाना ही चाहिए। और सर्दियों में हम जितना आंवले का यूज़ कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, फटाफट से आंवले का मुरब्बा और बना सकते हैं। वो रेसिपी भी मैंने अपने वीडियोस में, लॉन्ग वीडियोस में डाल रखी है, आप उसे शेयर कीजिए और देखिए, बहुत ही टेस्टी आंवले का मुरब्बा की रेसिपी मैंने बताई हुई है। तो यहाँ पर हमने सारे आंवले को ग्रेट कर लिया है, मैंने पहले से ही ग्रेट कर लिया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम साथ में 1 टीस्पून के बराबर सेंधा नमक डाल देंगे। सेंधा नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मोस्टली जो ऊपर की चीज़ें होती है, जैसे छाछ हो गई, हमारे ऊपर से हम दाल में नमक डालते हैं, तो उस टाइम आप सेंधा नमक का यूज़ करिए। टाटा नमक का यूज़ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है ऊपर से लेने में। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून काला नमक भी डाल दिया है, और साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे काली मिर्ची। तो यहाँ पर हम काली मिर्ची को क्रश करके डालेंगे। आपके पास अगर पहले से ही क्रश करी हुई हो तो फटाफट से डालकर आप इसे पहले नॉर्मली नीचे ही, मतलब स्लैब पे ही सुखाइएगा। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर डाल देंगे फ्रेंड्स, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के जस्ट बाद मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे ही मैंने इसे मिक्स किया और टेस्ट किया ना, तो इतना टेस्टी था, खट्टा खट्टा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लगी मुझे फ्रेंड्स। मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके स्लैब पे ही 2-4 दिन के लिए ऐसे ही सुखा लिया, ताकि इसका जो पानी है वो एकदम सूख जाए। और सूखने के बाद क्या करना है, हमें इसे छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना है, धूप में, हल्की धूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और फ्रेंड्स इसे जब मैंने अपने घर वालों को भी खिलाया ना, तो थोड़ा थोड़ा करके ये ऐसे ही फिनिश होने लग गया। मैंने सोचा भाई मैंने रेसिपी बनाई है, भाई मेरे फ्रेंड्स को भी मुझे बताना है सूखने के जस्ट बाद इसका रिज़ल्ट क्या आया। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि खाना खाने के बाद आप अपने डाइजेशन को अच्छा रखना चाहते हैं, पेट की समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, स्किन पर ग्लो लाना चाहते हैं, अपने हेल्दी हेयर्स को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये फटाफट से बना कर रखिए। तो मैंने जैसे ये 7-8 दिन तक इसको सुखाया, तो इतना कम हो गया फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते, जो आता उससे खा जाता। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो फटाफट से हम कलेक्ट करते हैं, जार में इकट्ठा करके रख देते हैं डाइनिंग टेबल पर। खाना खाने के जस्ट बाद भाई कुछ खाने का मन करता है ना, तो ये खट्टा खट्टा आंवला पाचक खाइए, बहुत ही टेस्टी है और अमेजिंग रेसिपी है। तो कमेंट करके ये बताइएगा, और बनाना ज़रूर, जब भी पता चलेगा कि ये आंवला पाचक की रेसिपी आपको कैसी लगी, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हम जार में इसे डाल लेते हैं और स्टोर कर देते हैं, जब मन करे तब खाओ,
और इंजॉय करो, क्योंकि आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है फ्रेंड्स। और विंटर सीजन में इसे बनाकर रख लेंगे ना तो गर्मियों में भी ये काम आएगा। तो विंटर सीजन जाने से पहले इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा, बनाने के जस्ट बाद बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। ये 100 रोगों की एक दवा है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी बीमारियाँ होती है हमारे पेट से रिलेटेड ही होती है। तो जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो बनाकर लेकर जा सकते हैं, खाना खाने के बाद कुछ खट्टा खाने का मन करे तो बनाकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है फ्रेंड्स, तो फटाफट से विंटर सीजन जाने से पहले इसे ट्राई कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, एंड बाय।